सोशल मीडिया पे आज रामलला की मूर्ति की बहुत सारी फोटोज आई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस सुंदर मूर्ति की ड्राइंग बनाने की कोशिश की जाए। देखिए तो जरा श्री राम के बाल रूप की ये मूर्ति कितनी सुंदर है। यहाँ तो बहुत सारे फोटोज हैं, पर मुझे लगता है आज की ड्राइंग के लिए ये फोटो परफेक्ट है। तो शुरू करते हैं। इस ड्राइंग को बनाने के लिए मैंने लिया है एक A4 साइज़ का पेपर, एक पेंसिल, एक मार्कर और एक वाइट पेंसिल। अब मूर्ति की रफ़ आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। शुरू करते हैं आज। इस ड्राइंग को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई एम श्योर आपको ये ड्राइंग बहुत पसंद आएगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं यहाँ मेन मूर्ति की आउटलाइन बना रही हूँ। वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ड्राइंग। आउटलाइनिंग का पार्ट मैंने थोड़ा फास्ट रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये बस एक रफ आउटलाइन है, कलरिंग के टाइम हम सारे डिटेल्स ऐड करेंगे। आउटलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब हम कलरिंग की तरफ बढ़ेंगे। अब हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ ब्लैक मार्कर से पीछे के आर्च में कलर फिल करना स्टार्ट किया है। अब मैंने यहाँ मूर्ति में कलर फिल किया है। अब मैंने यहाँ एक वाइट पेंसिल से डिटेल्स ऐड करना शुरू किया है। यहाँ मैंने वाइट कलर को एक ब्लेंडिंग पेन से ब्लेंड किया है। अब मैंने कुछ आभूषण ड्रॉ किए हैं। पेंसिल शार्प होनी बहुत ज़रूरी है।
अब मैंने धोती में कुछ डिटेल्स ऐड किए हैं। यहाँ पे मैंने कमल के फूल में डिटेल्स ऐड किए हैं। अब मैंने यहाँ आर्च में डिटेल्स बनाए हैं। इस पार्ट में काफी टाइम लगा क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स हैं। अब मैंने यहाँ वाइट कलर से बाण का बैकग्राउंड बनाया है जिसपे हम पेंसिल कलर करेंगे। मूर्ति की ड्राइंग ऑलमोस्ट रेडी है। ड्राइंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।